दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। चलिए आपको दिखाने वाले वीडियो पाकिस्तान के हैं कि पाकिस्तान पब्लिक बोलती है कि 550 साल पुरानी जो मस्जिद बाबरी थी उसको इंडिया में शहीद करवाया गया। इसमें हिंदू और मुस्लिम को दोनों लोगों को बुलाया गया था। जो कोर्ट में हुआ था फैसला हिंदू और मुस्लिम का बाबरी मस्जिद को लेकर, उसके बारे में क्या बात करती है और कश्मीर को लेकर क्या बात करती है, क्या बोलती है, तो वीडियो बने रहे एंड तक। फिर आपको दिखाने वाले हैं क्लिप बाय क्लिप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने देखा कि बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद किया, उसके ऊपर मंदिर बनाया। 550 साल का कोर्ट का केस था बाबरी मस्जिद का, और मुसलमान और हिंदुओं दोनों को बुलाया गया था। आप उस कोर्ट उस केस से रिलेटेड चीजें पढ़े, आपको सब समझ आ जाएगा। समझ आ जाएगी। लेकिन शरीफ कश्मीर के अंदर सरीना शरीफ जो इन्होंने गिराया है इंडिया ने, ठीक है, इसके लिए आप कभी भी ना इसको आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही एक्सट्रीमिज्म मौजूद है। दोनों मुल्क हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे। अभी अच्छे बुरे लोग सर हर जगह हैं, हर जगह दंगे फसाद मजहब को लेके होते हैं। मैंने ये नहीं कहा। आपको क्या लगता है कि अमेरिकन या ये जो अमेरिका में भी होते होंगे, अभी ट्रंप को गोली मारी उन्होंने, अपने वजीर आजम, अपने सदर जो यूएसए का सदर था उनको उन्होंने गोली मारी है इस तरह। और ये होता है पता ही क्या, उनकी मीडिया कंट्रोल है, हमारा मीडिया कंट्रोल नहीं अब करने जा रहे हैं। हमारे मीडिया को चाहिए होती है रैंकिंग, अपने रैंकिंग के चक्कर में पाकिस्तान की छोटी से छोटी शॉर्ट कमिंग्स को इस तरह बढ़ा के दिखा रहे होते ना पूरी दुनिया के सामने। उनका मीडिया ऐसा नहीं करता, ठीक है। यानी कि अभी मैं आपको चलता हूँ इधर, दूध वाली दुकान है, लिखा हुआ है कि जो मिलावट करता है वो हमें से नहीं है, लेकिन उसकी दूध की दुकान में मिलावट है। तो हमारे खुद कॉलर फेल में फर्क है। हम सिर्फ इस रीजन में जो ऊपर पाबंदी वगैरह लगाए हिजाब के ऊपर पाबंदी, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि तालीम हर बच्चे का बुनियादी है। फ्रांस कर रहा है वो ठीक हुआ नहीं, तो वो शुगल मेले के लिए जो जाते हैं वो फिर ना पहने, वो तो शुगल मेला है। तालीम के लिए तो हर कोई जाता है, अब अगर शुगल मेले के लिए वो जाती है तो वो ना पहने, इसलिए उम्मत मुस्लिम के फैसले को आप डिफेंड करते हो और इंडिया के फैसले को नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रांस की जो किया है वो शुगल मेला था, इंडिया जो कर रहा है वो ज्यादा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तालीम है, तालीम हर किसी का बुनियादी है कि तो हर कोई जा सकता है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में आए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारत के साथ हमारा कल्चरल और ये जो हमारा इकोनॉमिक और हर तरह का रिलेशन है वो फ्रांस के साथ नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, ये हमारी कश्मीर को लेकर बैठा, उसमें बहुत ज्यादा जो मुस्लिम की और बहुत सारी स्टेट्स हमारे मुस्लिम की इधर है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें जो ये क्लेम करता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूँ, डेमोक्रेटिक कंट्री का ये सबसे बड़ा होता है वो माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं तो माइनॉरिटीज का ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, अपने रिलीजन के को जिस तरह भी है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउ कैन इंडिया स्टॉप फ्रॉम हिज रिलीजियस प्रैक्टिस, नंबर वन। सर रिलीजियस प्रैक्टिस वहाँ पे बुरखे भी हैं, हिजाब भी है, 4 लाख से ज्यादा मस्जिद है। उन्होंने स्कूल की बात की कि यहाँ पे सिख भी पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, बौद्ध भी पढ़ते हैं, पारसी पढ़ते हैं। अगर एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के आएगी, कल को एक हिंदू लड़की वो भी जो है भगवा रंग पहन के आ जाएगी, फिर ईसाई भी जो है अपना व्हाइट कलर का चोगा पहन, तो ये स्कूल तो नहीं ना रहेगा। अगर हम पाकिस्तान में ऐसा कर दें, मैं आपसे बात करती हूँ, हाँ। अगर हम पाकिस्तान में ऐसा कर दें, उनके जो मंदिर हम उनको कहें कि वो वहाँ जो सर पे पहन के जाते हैं ये आप ना तो पहने, प्रैक्टिकल लाइफ में करें, स्कूल लाइफ में उन्होंने बैन किया, जिस तरह से फ्रांस ने कहा कि ओलंपिक्स के अंदर आप हिजाब वेयर नहीं कर सकते। मेरे साथ क्रिश्चियन है ना, मेरे साथ क्रिश्चियन ने भी पढ़ा है और मेरे साथ एक सिख ने भी पढ़ा है, वो सिख अपना वो ऊपर जो बना के आते हैं वो उसी कंडीशन में आया है, और वो जो पहन के आते हैं क्रिश्चियन जो है उसका नाम था आरिश बुट्टा या इस तरह का नाम था, मैट्रिक के अंदर मेरे साथ वो पढ़ता है। आज तक हमारे किसी स्कूल ने, किसी टीचर ने, किसी प्रिंसिपल ने उसको नहीं कहा कि आप इस तरह की रिलीजन जो है वो अगर वो डेमोक्रेसी इसको कंसीडर करता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क हूँ, उसमें इसको ये चीजें लेके चलनी चाहिए। लेकिन सेकुलरिज्म भी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करे, एक सेकुलर स्टेट का रिलीजन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मैम देखिए, आप जो बात कर रही है कि फ्रांस ने ओलंपिक में जो हिजाब बैन किया, सबसे पहले इसका जवाब ये है कि ओलंपिक जो है ये गेम है, इसके लिए लोग जाते हैं शुगल के लिए या सैर के लिए जाते हैं। हाँ। जो तालीम है या जो आप स्कूलों का कह रहे हैं ये एक हर इंसान का एक बुनियादी राइट है, ठीक है। इस पे अगर स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, यूनिफॉर्मिटी की वजह से ही पहनते हैं ना कि सब बच्चे एक जैसे नजर आए। लेकिन अगर कोई उसके ऊपर पाबंदी वगैरह लगाए हिजाब के ऊपर पाबंदी, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि तालीम हर बच्चे का बुनियादी है। फ्रांस कर रहे हैं वो ठीक हुआ नहीं, तो वो शुगल मेले के लिए जो जाते हैं वो फिर ना पहने, वो तो शुगल मेला है, तालीम के लिए तो हर कोई जाता है, अब अगर शुगल मेले के लिए वो जाती है तो वो ना पहने, इसलिए उम्मत मुस्लिम के फैसले को आप डिफेंड करते हो और इंडिया के फैसले को नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रांस की जो किया है वो शुगल मेला था, इंडिया जो कर रहा है वो ज्यादा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तालीम है, तालीम हर किसी का बुनियादी है कि तो हर कोई जा सकता है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में आए। लेकिन के अंदर रिलीजियस डिवीजन भी तो अच्छी बात नहीं है ना बच्चों में। देखिए, इसमें कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। फ्रांस में जो है वो एज अ एथलीट वहाँ पे जा रहे हैं जी, तो अगर स्पोर्ट्स के लिए कोई भी कहीं भी कोई जाएगा एज अ फीमेल या मेल हो, मेल तो है नहीं उसका हिजाब,
ठीक कर रहा है, तो फिर कश्मीर वाला जो 8,80,000 हमारी जो 80 लाख हमारी आबादी है वो अगर हम उनको दे देंगे, इसका मतलब सीधी सीधी वो रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उसकी वायोलेशन हो रही है। एक तरफ वो अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 370 और 35A के जरिए कश्मीर को नेक्स्ट कर रहा है, जूनागढ़ उसके पार है, इतनी बड़ी उसके पास पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर रहता है, तो क्या उनकी वो रिलीजियस एक माइनॉरिटी भी और एक मेजोरिटी भी है? हमारी जो माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी भी है। ठीक है, वहाँ पर मुस्लिम सेकंड मेजोरिटी में है, मैं वाकई कभी उसको माइनॉरिटी का माइनॉरिटी लाख 2 लाख करोड़ की पॉपुलेशन होती है, 20 करोड़ से जब बढ़ जाए वो मेजोरिटी में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी एक सवाल पैदा होता है, अगर पाकिस्तान की बात करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हिजाब, जितने भी अमेरिकन स्कूल्स हैं, ब्रिटिश स्कूल लाहौर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, वो जब बच्चों का एडमिशन करवाते हैं वो कहते हैं यहाँ पर किसी भी किस्म की रिलीजियस प्रैक्टिस को स्कूल अलाउ नहीं कर रहा। तो हम एज अ मुस्लिम उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन भारत एज अ सेकुलर स्टेट अगर किसी स्कूल के अंदर ये लॉ लेके आ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ ले, तो ये एडमिशन करवाने वाले बच्चे को सोचना चाहिए कि यार मैं इस माहौल में कंफर्टेबली पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, exactly. पहली ही डेफिनेशंस में लिखा हुआ है कि नो प्रैक्टिस शैल बी अंगेस्ट इस्लाम, कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं होगी जो इस्लाम के अंगेस्ट होगी। अगर कोई कोई अदारा कोई ऐसा कर रहा है, आप उसको हाईलाइट करें कि ये अदारा पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहा है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और ये कह रहा है इस्लाम की वायलेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी आप उसको आप करें, ऐसा कोई नहीं है, कोई अदारा ऐसा नहीं। जो एजुकेशन है ना वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है। सर एक इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं, अगर हम हिंदू क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की और हिंदुइज्म की बात करें, ये 3 रिलीजन ऐसे हैं जिनके फॉलोअर बिलियंस में है, हिंदुइज्म के 2.5 बिलियंस के करीब है, मुसलमान 4 बिलियन से ज़्यादा है, क्रिश्चियनिटी तो पूरी दुनिया में नंबर फर्स्ट पे आता है। लेकिन अब अगर यूरोप की बात करें, मगरिब की बात करें या पाकिस्तान से बाहर की बात करें, अब लोग जो है इस्लामोफोबिया का शिकार हो गए और इस्लाम को लेके जो है लोगों के कानून बदल रहे हैं, जैसे हिंदू को वीज़ा मिल जाएगा, क्रिश्चियन को मिल जाएगा, एक मुसलमान और फिर वो पाकिस्तानी हो उसको नहीं मिल रहा, एक ये टच भी तो अब आ गया ना। मैम देखें, ये आप पूरे इस्लाम को ना इसमें करें। हाँ। सऊदी अरब का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीजा मिलेगा, यूएई का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीजा मिलेगा, ठीक है। क्या आप क्या समझती, फ्रांस में मुसलमान नहीं है, यूएसए में मुसलमान नहीं है? असल में मुसलमान बेईमान नहीं है, कुछ बेईमानों ने इस्लाम को आगे किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अभी मैं आपको चलता हूँ, इधर दूध वाली दुकान है, लिखा हुआ है कि जो मिलावट करता है वो हमें से नहीं है, लेकिन उसकी दूध की दुकान में मिलावट है, तो हमारे खुद कॉलर फेल में फर्क हम हाँ। सिर्फ इस रीजन में, ये बड़ा मुनाफिक सा रीजन है जिस रीजन में हम रहते हैं। ये भी है कि मतलब पिछले साल अगर आपको याद हो कतर में हुआ था ये ओलंपिक जो फुटबॉल का मैच हुआ था, वहाँ पे उन्होंने सारे कहा था कि मतलब शराब भी आप नहीं लेके जा सकते, जाकिर नाइक को भी बुलाया था, पहले तालीम दे देते, तो उसकी मुलाजमत से इंतकाम लेने के लिए उन्होंने ये किया कि इस बार हम भी इस तरह करते हैं कि इनको हिजाब भी नहीं छोड़ेंगे और जो हमारी अपनी कंडीशन होगी जिस तरह कतर ने इंतकाम ले रहा है फ्रांस। अच्छा, इसमें ना डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी हैं ना उनकी, उन्होंने जो है जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने में और स्पेशल उन्होंने जो वॉर ऑन टेरर के बाद मुसलमानों का जो एक इमेज उन्होंने अपने माइंड में बनाया हुआ है वो टोटली बहुत गलत है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सही तरह एंटिसिपेट नहीं किया कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। एक कुछ जो है हादसात हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं जो मुसलमानों के हाथों भी हुए हैं और उनकी साइड से भी हुए हैं, तो वो कुछ मिस्टेक्स हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान जो है टोटली खराब है। लास्ट में हम यही मैसेज देंगे कि हर रिलीजन का रिस्पेक्ट होना चाहिए, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, पारसी हो, हर रिलीजन के मानने वालों को रिस्पेक्ट। सिंपल इज दैट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे पास तुम्हारा दीन है, हमारे पास हमारा दीन है, ठीक है। हम किसी को होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हाउ व्हाई यू कॉल्ड हिम अ पीस मेकर, ही इज कॉल्ड पीस मेकर बिकॉज हिज पॉलिसीज। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने किसी को जंग के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाना, जो सरेंडर कर दे उसको नुकसान, ये हमारा इस्लाम है। चंद एक लोग, चंद एक किता अगर इस्लाम को सही नहीं कर रहे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उस बेस पे पूरे इस्लाम को आप यानी कि ये नहीं टारगेट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ है। हम माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास आर्टिकल नंबर 36 है कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 का, वो तमाम माइनॉरिटीज़ के राइट्स को इंश्योर करवाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी स्टेट हमेशा पहले माइनॉरिटीज़ को राइट्स को रखती है और बाद में जो है अपनी स्टेट के आवाम का बिहेवियर उनकी तरफ कुछ अच्छा नहीं है माइनॉरिटीज़ की तरफ। हाँ, क्योंकि कुछ इलिटरेट पीपल हैं यहाँ जिनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो है मोस्टली केसेस में यही है। अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमेशा माइनॉरिटीज़ का एहतराम करती है, किसी ईसाई पे हल्ला बोल देते हैं, चर्चेस को जला देते हैं, किसी के ऊपर ब्लास्ट केमिकल लगा देते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने
तो लिख दिया कि भाई राइट है, अब ये तो एज अ पाकिस्तानी हमारा भी फर्ज बनता है ना। जस्ट हमारी जो सोसाइटी है पाकिस्तानी सोसाइटी, बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इमोशनल सोसाइटी है, छोटी छोटी बातों पे इन्होंने सैड रिएक्शन और बड़ा बड़ा जो है गलत रिएक्शन दे जाते हैं। हालांकि इस तरह से नहीं देना चाहिए, तमाम लोगों को जो है जो पढ़े लिखे हैं और जिनको सारा नो हो है सारी इस हवाले से, तो उनको भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो है लोगों को। लेकिन मैम मजहबी एक्सट्रीमिज्म जरा कम हो, बहुत बढ़ गई है यहाँ पर, इसी वजह से जो है इस्लामोफोबिया भी ज्यादा बढ़ रहा है। और यही अगर ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो जज्बाती लोग हैं तो इस तरह जज्बाती लोग इंडिया में भी। और सर लास्ट में ये भी कहूँगी कि प्रोग्राम बढ़ा दोगे, हर पर्सन को अपना फर्ज भी अदा करना चाहिए, एज अ पाकिस्तानी भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और एज अ इस्लामिक दुनिया का एक हिस्सा होने के नाते, मुसलमान होने के नाते भी फ़र्ज़ अपना निभाना अच्छा। चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अब सोशल मीडिया पे जब पोर्ट्रेट होती हैं तो कहीं ना कहीं पे मुल्क पाकिस्तान का नाम अच्छा रोशन होगा, इस्लाम का नाम अच्छा रोशन होगा, लेकिन सेकुलरिज्म और रिलीजन दोनों चीज़ें मैं कहूँगी टोटली जो है डिफरेंट है। सेकुलरिज्म कहती है कि स्टेट का ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, लेकिन जो इस्लामिक स्टेट है, जैसे उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कि हर चीज़ इस मुल्क के अंदर इस्लाम के अकॉर्डिंग ही होगी और कोई इसको डिनाई भी नहीं कर सकता। दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो नीचे कॉमेंट में बताना, तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।